चलिए, है ना। तो मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि हम इसकी परसेंटेज जो है वो 60 कर लेते हैं। मैं देखिए, यहाँ पे दो करेंसी के लेवल होते हैं। देखिए, पेयर इस तरीके से होता है, यूरो यूएसडी, यूएसडी आईएनआर। पहली चीज़ हमको सीखना है कि जो पेयर के पहले पार्ट में है उसको हम लोग बेस करेंसी कहते हैं। दैट इज़ यू आर बाइंग व्हेन यू ट्रेड फॉर एक्स पेयर। जब आप खरीदते हैं किसी चीज़ को तो दैट इज़ योर बेस करेंसी, और जिसको आप बेच रहे हो उसको हम लोग कहते हैं कोट करेंसी। अब ये खरीदना और बेचना, थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अब मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा फंडा सिखा दूंगा कि किसी पेयर को कैसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा यूरो यूएसडी, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, यानी कि जो पीछे है वहाँ का इंसान अगले वाली कंट्री में ट्रैवल करने वाला है। मतलब यूएसडी होता है अमेरिका का, यूरो EUR होता है यूरोप का, तो अमेरिका का बंदा यूरोप जाने वाला है, ये इसका मतलब है। अब यूरो यूएसडी का एक प्राइस है, ठीक है, यूरो यूएसडी का एक प्राइस है, उस प्राइस को देख लेते हैं। ये प्राइस क्या है? अभी ये प्राइस चल रहा है 1.093, 1.0933। अब इसका क्या मतलब है? यानी कि एक यूरो खरीदने के लिए अमेरिका वाले बंदे को इतना यूएसडी सेल करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पेयर के अंदर बाय और सेल साइमल्टेनियसली होता है एक साथ। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, यूरो को तो बाय करने वाले हैं, ठीक है, और यूएसडी को सेल करने वाले हैं। यानी कि एक यूरो खरीदने के लिए कितने यूएसडी देने पड़ेंगे, कितने यूएसडी बेचने पड़ेंगे। तो एक यूरो के लिए हमको 1.0933 यूएसडी डॉलर देना पड़ेगा। अब सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दो तीन ले लेते हैं, ताकि आप सब लोगों को अच्छे से पेयर का मतलब समझ में आए। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता है कि जो आपके चार्ट पे जो प्राइस चल रहा है उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, ये जो प्राइस चल रहा है भैया, इस प्राइस का मतलब क्या है। अब हम लोग अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूएसडी आईएनआर, ठीक है। अब इसका सीधा सिंपल सा मतलब है, इंडिया का बंदा अमेरिका जा रहा है, ठीक है, इंडिया का बंदा अमेरिका जा रहा है। भाव क्या है? एक, हम यहाँ पे जो ट्रेडिंग करते हैं पेयर में करते हैं, एक डॉलर बाय करना है। पहले वाला हमारा बाय में आता है, जिसको हम लोग बेस करेंसी भी कहते हैं। होपफुली आप लोगों को ये याद रहेगा, बेस करेंसी भी कहते हैं। देन दूसरे वाला आप क्या करोगे, इसको हम लोग सेल करने वाले हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोट करेंसी कहते हैं, ठीक है, कोट करेंसी। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया, जो सेकंड वाली होती है कोट करेंसी होती है, यू आर सेलिंग व्हेन यू ट्रेड फॉर एक्स पेयर। अब इसका मैंने आप लोगों को प्राइस दिखाया यहाँ पे, दिस इज द प्राइस यूएसडी आईएनआर, 83.93, ठीक है, 83.93, 83.93। अब ये प्राइस क्या है? ये वो प्राइस है कि आपको एक डॉलर खरीदने के लिए कितने आईएनआर बेचना पड़ेगा, दैट इज द प्राइस, ठीक है। अब ये प्राइस क्या होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है हर दो कंट्री के बीच में। अब वो फ्लक्चुएशन किस बात पे करता है, उस कंट्री की इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, ठीक है, उस कंट्री की इकोनॉमी कैसे चल रहा है और जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वॉल्यूम कैसा आ रहा है, उन सब बातों पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हम किसी कंट्री की इकोनॉमी पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, बाकी सब चीज़ों को भूल जाते हैं, इकोनॉमी याद रखेंगे, ठीक है। कोई देश कैसा परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ उस बात पे ये प्राइस फ्लक्चुएशन डिपेंड करता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि भैया मसला क्या है, ठीक है। GBP JPY, जापान का बंदा इंग्लैंड जा रहा है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड JPY, ठीक है, क्या करना चाहता है, एक पाउंड खरीदना चाहता है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे प्राइस कौन सा आएगा,
एक पाउंड के बदले कितने जैपनीज येन वो सेल करेगा? दैट इज द क्वेश्चन। नाउ इस जीबीपी को हम बाय करने वाले हैं, ठीक है, ये जेपीवाई जो है इसको हम लोग सेल करने वाले हैं। ये बेस करेंसी है, ये कोर्ट करेंसी है, ठीक है, इतना सा हमको अंडरस्टैंड करना है। सो होपफुली आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा कि जो पेयर है उसका मतलब क्या है, कि जो हमारे चार्ट पे प्राइस चल रहे हैं वो प्राइजेज हैं क्या, ठीक है। और बिजनेस हमने समझने की कोशिश किया है क्या, बाय एट लो सेल एट हाई, कम पे खरीदना है ज़्यादा पे बेचना है। अब ये प्राइस जो है दिन भर 24 आवर्स इन अ वीक, लाइक 5 डेज इन अ वीक, ये फ्लक्चुएट करता रहता है प्राइस, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हमको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में फाइंड आउट करनी है, जब बाज़ार अपने लो पे था तब हम उसको हाई पे जाके नीचे खरीदेंगे, ऊपर बेच दिया, नीचे खरीदा ऊपर बेच दिया, यही सारी स्टडी है, ठीक है। सो दिस इज़ आर करेंसी पेयर। नाउ नाउ वी विल लर्न अबाउट द बिड आस्क प्राइस होता है, और उसी से निकल के आता है स्प्रेड, ठीक है। सो अभी देखिए क्या होता है, द आस्क प्राइस इज द मैक्सिमम प्राइस बायर्स आर रेडी टू पे, ठीक है, और बिड प्राइस होता है द मिनिमम प्राइस सेलर्स आर रेडी टू एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, बेसिकली व्हेन वी ट्रेड, ठीक है, अब मैं यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करता हूँ वॉच लिस्ट ऑफ MT5, कि मुझे जो आप लोगों को दिखाना है वो शायद मैं शो कर पाऊँ, यस, है ना। सो अगर अब आप यहाँ पे देखेंगे, सो मार्केट इज शोइंग दिस टू प्राइजेस, ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ है आस्क एंड बिड प्राइस, ठीक है। यहाँ पे भी इतना अच्छा आया नहीं है, तो आई विल ट्राई। हाँ ये देखिए यहाँ पे, ये देखो ये दो प्राइजेज आ रहे हैं, ठीक है, द वन इज आस्क प्राइस, द वन अनदर वन इज द बिड प्राइस, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्प्रेड 13, स्प्रेड 0, ठीक है, ये ऐसे लिखा आ रहा है। तो अब बेसिकली होता क्या है, हमने बिड एंड आस्क प्राइस के बीच में एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है जिसको हम लोग स्प्रेड कहते हैं। अब हमने क्या सीखा, ट्रांजैक्शन कैसे होता है, ट्रांजैक्शन ऐसे होता है थ्रू दी ब्रोकर। अब देखो ब्रोकर है या LP है या कोई भी है, वो हमें फ्री में तो ये करके नहीं देंगे, बायर और सेलर आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, कोई कम में खरीद रहा है ज़्यादा में बेच रहा है, आप प्रॉफिट बना रहे हो वो आपका है, लेकिन ब्रोकर का क्या है, ब्रोकर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ब्रोकर जो है यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे हमसे चार्जेस लेता है, ठीक है, और वो जो चार्जेस लेता है उसी को हम लोग स्प्रेड कहते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट शो यू, मैं एक स्क्रीनशॉट भेजता हूँ अपने इस पे, ताकि मैं आप लोगों को जो है वो दिखा पाऊँ।